भरवा तरोई, आइए सिखाते हैं हम आपको भी भरवा तरोई बनाना। राई और जब ये पक जाएगी अच्छे से तब मैं इसमें अपना मसाला ऐड कर दूंगी जो मैंने मिक्स करके रखा हुआ है। तो देखिए हमने अपना मसाला जो प्याज लहसुन पीसा हुआ था इसमें हमने ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छे से हम पकने देंगे। इसमें हम अपने मसाले ऐड कर देंगे, नमक स्वाद अनुसार डालें जितना खाया जाता है, हल्दी पाउडर, गरम मसाला और एक टेबल स्पून हरा धनिया, लाल मिर्च पाउडर, इसको मिक्स करते हैं। जब ये भुन जाएगा पूरी तरह से, अच्छे से फ्राई हो जाएगा, तब इसमें हम अपना भुना मसाला डालेंगे जो मैंने जिसमें जीरा, मेथी, सरसों, सौंफ, कड़ी धनिया ये सब पीस के, भून के पीस के रखा हुआ है, वो ऐड कर देंगे। ये देखिए हमारा मसाला भुन गया अच्छे से। ये हम अपने तरोइयों में भरेंगे। अब इसमें हम अपना भुना मसाला जो हमने बताया था आपको ये ऐड कर देंगे। मैं हल्का दरदरा पीसती हूँ ताकि जब हम खाएँ मुँह में टेस्ट आए तो थोड़ा सा इसका भी टेक्स्चर है। अभी हमारा देखिए अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसको निकाल के हम ठंडा करके तब तरोइयों में भर लेंगे। ये देखिए हमारा तेल हो गया है। अब इसमें हमने अपनी तरोई जो भर के रखी हुई है वो हम डाल देंगे। ऊपर से जो हमारा मसाला बच गया है वो भी डाल देंगे। फिर उनको पलट देते हैं ताकि जो हमारा तेल है वो अच्छे से पहुंच गया। अब इनको हम ढक देंगे। इसको बीच में एक बार खोल खोल के देख लेंगे और चला देंगे, पलटते रहेंगे क्योंकि हमारे जो नीचे की तरह वो अच्छे से सॉफ्ट हो गई होंगी और ऊपर की ऐसे पलटते रहेंगे। फिर इसको ढक देंगे। ये देखिए हमारी तरोई कितनी अच्छी बन के तैयार हो गई। बस इनको हम खुला थोड़ा सा पका लेंगे और फिर इनको सर्व कर लेंगे। ये देखिए हमारी भरवा तरोई तैयार हो गई। अगर आपको हमारी वीडियो और हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।